जानता हूं सावरी जी, लेकिन आपने खामखा तकलीफ की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की शिक्षा का पहला कदम किसी गलत बुनियाद पर टिका हो। हम चाहते हैं कि अगर पूजा का एडमिशन हो तो उसकी काबिलियत पर, ना कि किसी की सिफारिश पे। अरे खामखा की जिद लगा के बैठे हैं आप लोग, ऐसा मत करो, ये पूजा के भविष्य का सवाल है। हाँ, मगर आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उसके माँ बाप हम हैं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रही बात एडमिशन की, वो हम करा लेंगे, और हाँ सही तरीके से। सर, हमने भी बाकी पेरेंट्स की तरह फॉर्म भरा है, हम चाहते हैं कि पूजा का एडमिशन तभी हो जब वो आपकी नजर में लाएगा। थैंक यू सर, चल मधु। राज, ये जगह छोटी सी है पर कितनी अच्छी है। हाँ अवनी, और लव बर्ड्स के लिए एकदम सही है। तुम्हें पता है अवनी, या जो भी आता है ना वो अपने प्यार में खोया रहता है, ना खुद डिस्टर्ब होते हैं ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। बैठो ना अवनी। थैंक यू भैया। अवनी, वाओ राज, यहाँ की चाय तो बहुत अच्छी है। हाँ अवनी, और यहाँ का माहौल भी इतना रिलैक्सिंग है ना, और यहाँ के मेन्यू के हर आइटम ना बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू राज, तुमने मुझे झूठ बोलने से बचा लिया और सब कुछ संभाल लिया। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। इनाम देना चाहती हूँ? हाँ, इनाम। अगर इनाम देना है तो एक किस दे दो। अपनी अपनी शक्ल देखो। चाच, It's not funny. I know it's not funny. मैंने कब कहा किस दिन फनी होता है? अब राज, मुझे भूख लग रही है, देखो ना कुछ खाने के लिए हो। हाँ, देखता हूँ। अब इसके लिए कोई रिवॉर्ड मत देना, क्योंकि तुम सिर्फ बोलती हो लेकिन रिवॉर्ड तुम दे ही नहीं सकती। अवनी, ये समोसे बहुत हॉट है, खाओ ना। राज, चलो यहाँ से। अरे अवनी, तुम्हें भूख लगी थी ना? नहीं राज, मुझे कोई भूख नहीं लग रही, चलो। अवनी, अरे अरे अवनी सुनो, कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? अब क्या बताऊं प्रताप जी, दुनिया में इतने ना शुक्र गुजार लोग भरे हुए हैं ना कि पूछो मत। एक तो किसी का भला करने जाओ तो उल्टा हम पर ही, इतना गुस्सा आ रहा है ना। एक मिनट, हुआ क्या है, किसके बारे में बात कर रही हो? वो जशन माधुरी, और कौन जी? आपको पता है प्रताप जी, मैंने पूजा की एडमिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके उसे जयपुर के सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाई, पर वो दोनों, अरे मेरा एहसान मानना तो दूर, उन दोनों ने तो साफ मना कर दिया, कहने लगे सिफारिश की एडमिशन हमें नहीं चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ सावरी, तुम्हें पूजा की एडमिशन में दखल देने की जरूरत क्या थी? अरे ये क्या कह रहे हो प्रताप जी, अरे मैंने अगर पूजा के भविष्य के बारे में सोचा तो इसमें क्या गलत किया? गलत तो हो गया सावरी, तुम पूजा के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि उसके माँ बाप वो हैं, हम नहीं। अरे तो क्या हुआ, माना कि हमने पूजा को गोद नहीं लिया, लेकिन उसका मेरा प्यार का रिश्ता तो है, उसे एक नजर देखकर ही जो मेरे मन में ममता जागी थी वो तो नहीं मिट सकती ना। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा सावरी, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें अपनी इस ममता पर काबू रखने की जरूरत है, ताकि किसी और की ममता को ठेस ना पहुंचे।
नहीं, ये नहीं होगा। मुझे मुझे मेरी पूजा का ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि वो जशन माधुरी, वो अच्छे पेरेंट्स नहीं है। सच कहूं तो वो पूजा जैसी मासूम बच्ची के लायक ही नहीं है।